देश भर में मूल निवासी आदिवासियों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में तथा आदिवासियों को विदेशी प्रचारित किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से आंदोलन किया गया। परिषद की ओर से बुधवार को शहर के संविधान चौक पर एकत्रित होकर अपनी मांगों के लिए आंदोलन किया गया। उनके मांगों में आदिवासी समाज की मूल पहचान भुलाने, आदिवासी को विदेशी घोषित करने पर और आदिवासी की जमीन भूमाफिया द्वारा कब्जाए जाने के विरोध में, इसके साथ अन्य मांग शामिल है। सर्वप्रथम भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा, इनके चरणों में नमन करता हूँ। आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का ये 3 चरण कार्यक्रम लगाए है जो पूरे भारत में 300 जिले में होने जा रहा है। उसका प्रथम चरण संविधान चौक पर आज यहाँ पर हो रहा है। आदिवासियों के ऊपर में 70 साल से जितनी भी सरकारें आई है अन्याय अत्याचार करते आ रहे हैं। संविधानिक हक संविधान में लिखा है, उसके बावजूद भी हमारे को मूलभूत सुविधा हक अधिकार नहीं मिल रहे। आज भी हमारे आदिवासियों की बहुत सारी समस्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई स्टैचू का जो पुतला बनाया गया है, वहाँ हमारे आदिवासी भाई लोगों के जो गांव थे छोटे छोटे, उसको उजाड़ करके वहाँ पर वो पूरा धरन सरोवर बना करके स्टैचू का वो निर्माण किया गया है। तो ये हमारे साथ में बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। शिक्षा के मामले में हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल, 5,000 स्कूलों को बंद करने का जो निर्णय सरकार ने लिए है वो हमारे लिए गलत है। आदिवासियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के चलते उन्हें कब कामयाबी हासिल होगी और उनकी मांग कब पूरी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।